और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दीवानी से। आपको बता दें कि हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों का दीवानी में प्रदर्शन। मानव श्रृंखला बनाकर की खंडपीठ की मांग। अधिवक्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। कार्य से विरत रहकर वकीलों ने किया आंदोलन। लोकसभा चुनाव से पहले अधिवक्ताओं ने तेज किया खंडपीठ का आंदोलन। लोकसभा चुनाव से पहले वकीलों ने तेज किया है आंदोलन। आपको एक बार फिर बता दें कि हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। वकीलों ने दीवानी में प्रदर्शन किया है। मानव श्रृंखला बनाकर की खंडपीठ की मांग। अधिवक्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं सी न्यूज संवाददाता उमेश शर्मा के साथ। उमेश, वकीलों ने हाईकोर्ट की मांग को लेकर एक बार फिर से हल्ला बोल दिया है, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, हाईकोर्ट बेंच को लेकर के काफी अच्छे से कई सालों से यहाँ आंदोलन चल रहा है। पूरी आगरा में अधिवक्ता एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। यहाँ आज जो चुनाव हुए हैं, आगरा 12 सीटों के चुनाव भी हाल ही में हुए हैं, यहाँ पर आज तक सचिव और पदाधिकारी चुने गए हैं। तो आज गुरुवार को यहाँ पर जो वकीलों ने एक मानव श्रृंखला बनाई दीवानी परिसर में, और वहाँ पर नारेबाजी करते हुए यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की मांग की गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि ये मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही है। जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट भी लागू की जा चुकी है, लेकिन बेंच की स्थापना नहीं हुई है। इस वजह से अधिवक्ताओं में आक्रोश है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यहाँ पर खंडपीठ की स्थापना होने पर अधिवक्ताओं को इलाहाबाद और बाद गाड़ियों को इलाहाबाद की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, यहाँ आसानी से उनका काम होगा, खर्चा भी कम होगा। लेकिन यहाँ पर जो भी मांग की गई उसमें अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जी उमेश, आखिर क्या वजह है कि वकीलों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है? क्यों वकीलों की सुनवाई नहीं की जा रही है? देखिए, अधिवक्ताओं ने जो अपने यहाँ सांसद भी हैं, अब दो दो सांसद, अब चार चार सांसद हो गए, और नौ नौ विधायक हैं। और वकीलों का कहना है कि यहाँ के जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इस बात को लेकर भी अधिवक्ताओं में गुस्सा है, और अधिवक्ताओं का कहना है कि अगले चुनाव में जिसका एक खामियाजा ये सांसद और जो जनप्रतिनिधि है उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सांसद और विधायक हैं उसको लेकर के पहल की जानी चाहिए और ये स्थापना होनी चाहिए, लेकिन कोई भी नेता चुनाव से पहले सब आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई यहाँ इस तरफ ध्यान नहीं देता है। तो इस बात को लेकर अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश है। जी अदिति जी, उमेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका समस्त जानकारी के लिए। आपको एक बार फिर से बता दें कि वकीलों ने हाईकोर्ट की बेंच मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की, और कार्य से विरत रहकर आंदोलन किया।